दो हत्या आरोपियों को पीपलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। अमेठी जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के दिशा निर्देशन में जिले के अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज व क्षेत्राधिकारी पीयूष कांत राय जैसे कुशल अधिकारियों के सानिध्य में पीपलपुर के नवागत जुझारू थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह व उनकी टीम ने 5 अगस्त 2020 को पीपलपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर ग्राम सभा में जमकर हुए लाठी डंडों के कारण एक व्यक्ति जिसका नाम मुस्तकीन पुत्र अजीज की मौत हो गई थी, जिस पर पीपलपुर थाना अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को जिसका नाम तौफिक उर्फ वसीम पुत्र कलीम उल्लाह उम्र 35 वर्ष व लुकमान पुत्र नूरुल निवासी ग्राम बहादुरपुर को गिरफ्तार कर संगीन धारा 302, 147, 148, 323, 324, 504, 334 IPC एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। शेष अभियुक्तों की तलाश में नवागत थाना अध्यक्ष संतोष सिंह व उनकी टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही। ग्राम सभा में पुलिस बल मुस्तैद है। थाना अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया सारे आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। अमेठी से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। पीपलपुर थाने में डॉक्टर की टीम ने किया कोरोना टेस्टिंग का कार्य। टेस्टिंग के दौरान निधि यादव की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। अमेठी जिले के पीपलपुर थाना क्षेत्र में कोरोना महामारी के मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए संबंधित डॉक्टरों के द्वारा चला पीपलपुर थाने में कोरोना टेस्टिंग अभियान। अभियान के तहत थाना क्षेत्र के 39 पुलिस जवानों की कोरोना टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग के दौरान पीपलपुर थाना अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि 39 जवानों में से निधि यादव कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। निधि यादव को कोविड-19 हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अमेठी से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट।